दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो विशेष जो लाइव है वो विशेष मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लगातार लेकिन एक विशेष बदलाव लाने के लिए आप हम सबको एक मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि पिछले 5 साल लगातार हमने संघर्ष किया। आपने देखा लाठिया खाई जेल गए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जैसे कांग्रेस को समर्थन दिया तो ये कहा कि कांग्रेस ही तो नहीं है, लेकिन आपने एक बात नोट नहीं की, कांग्रेस सरकार आने के बाद भी हम लगातार हमारी मीटिंग ज्ञापन दौर और हमारी बातचीत जो हर चीज है चालू रख रहे हैं। अभी भी हम किसी पार्टी विशेष के नीचे काम नहीं कर रहे, हम मैं और मेरा संगठन राजस्थान बेरोजगार महासंघ बेरोजगारों के लिए काम करता है। और 1 जुलाई को जो हमने जयपुर विधानसभा के सामने वादा याद दिलाओ रैली रखी है, उसका उद्देश्य उसकी रणनीति को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें तमाम जो मांगे हैं मैंने आप लोगों को फेसबुक में आज पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया था। दोस्तों मैं आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जब तक जागेंगे नहीं, जागृत नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ अत्याचार उठाघात होता रहेगा। सबसे बड़ा उदाहरण देश की जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया, उसको लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विरोध हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान की वर्दियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बार बार 50% कोटे में आना और राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ उठाघात करना, उनके भविष्य के साथ उठाघात करना, पेपर आउट हो जाना, भर्तियां कोर्ट में लटक जाना, कई सालों तक भर्तियां नहीं आना, परिणाम नहीं आना, एग्जाम नहीं होना, एग्जाम हो गया था उसका परिणाम नहीं आना और परिणाम आ गया था जो नहीं होना, ये तमाम प्रक्रिया है, सिस्टम में विसंगतियां है, गलती अधिकारी करते हैं सदा बेरोजगारों की। ये लगातार कई वर्षों से चलता रहा, ये 2012 के बाद ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, आज 2019 है, लगातार वही विसंगतियां बार बार रिपीट हो रही है, प्रश्नों का विवाद हो जाता है, भर्तियां कोर्ट में लंबित हो जाती है या आरक्षण के नए प्रावधानों को लेकर विवाद होता रहता है। और देश एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो ताकतवर है उसके सामने कोई सी भी सरकारें झुक जाती है, कमेटियां बना देती हैं, वार्ता करती हैं और उनकी मांगे मान लेती है। लेकिन एक देश का सबसे बड़ा समुदाय है युवा बेरोजगार, देश का, प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन वो कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाया, मजबूत नहीं हो पाया और एक छत के नीचे नहीं आ पाया, जिसका फायदा कोई सी भी सरकारें हैं वो फायदा उठा पाती हैं और हम लोग एक गुठन महसूस करते हैं और लगातार गलत विसंगतियां जो गलत सिस्टम की वजह से लगातार बेरोजगार अवसाद में जाते रहते हैं, महीनों तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं, कभी आरपीएससी धरना देना पड़ता है, कभी अधीनस्थ बोर्ड और कभी शिक्षा वाहक, कभी शिक्षा संकुल, कभी बीकानेर निदेशालय, कभी हाईकोर्ट, कभी सचिवालय, चक्कर काटना पड़ता है। आखिरकार हम लोग इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। जिस प्रकार किसानों ने आवाज उठाई तो किसान आयोग की आयोग का गठन कर दिया, जिस प्रकार जिस जिस मामले में दम होता है तो कहीं ना कहीं वो कमेटी बने, आवाज उठाई तो उनके लिए कमेटी, सब कमेटी, जो मंत्रिमंडल है 3-4 मंत्री, उनकी कमेटी गठित कर दी और बार बार हर महीने उनकी मीटिंग हो रही है। तो क्या हम लोग इतना कमजोर हैं कि हम लोग बाहरी राज्य को कोटा कम नहीं करवा सकते? क्या हम लोग नई जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरी नहीं करवा सकते? क्या हम लोग जो प्रत्येक विभाग में जितने लोग रिटायर्ड होते हैं प्रतिवर्ष भर्तियां नहीं निकलवा सकते? क्या गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या नई शिक्षा नीति में बदलाव नहीं करवाना चाहते जो लोग डेमो साक्षात्कार और जो 3 साल का प्रोबेशन काल कर रहे हैं? इनका विरोध नहीं हो सकता। दोस्तों जिस प्रकार तमिलनाडु केरल ने जो विरोध किया नई शिक्षा नीति का, हम लोग राज्य सरकार से मिलकर, क्योंकि राज्य सरकारों के पास एक विशेष अधिकार होता है, राज्य सरकार उस विशेष अधिकार का प्रयोग लाकर विरोध कर सकती है, अपनी राज्य की नीति और शिक्षा नीति लागू कर सकती है जो छात्र हित में हो, तो तमाम इश्यू को लेकर हम 1 जुलाई को इकट्ठा हो रहा है। एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि थोड़े दिन पहले एक मेरा वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था कि आने वाले वीक में कुछ खबर मिलेगी। दोस्तों मैं खुद मुख्यमंत्री सचिव साहब से मिलकर आया हूँ, डिप्टी सीएम से मिला था, इसके अलावा कार्यवाहक के अधिकारी से मिलकर आया, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन, यानी कि उन्होंने जब 2-4 दिन का मतलब आने वाले वीक है, बोले कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए कुछ खबरें मिल जाए, यानी कि जो कार्य विभाग और आरपीएससी को लेटर भिजवा देंगे भर्तियों से संबंधित। ऐसे में दोस्तों आने वाले वीक मुझे बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आने वाले वीक में क्या होगा? आने वाले एलडीसी 2018 का टाइपिंग पैटर्न या टाइपिंग तिथि घोषित हो जाएगी, इसके अलावा अधीनस्थ और आरपीएससी के चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, हेडमास्टर हो, एसआई भर्ती हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, एनटीटी हो, उनके कृषि परीक्षण का परिणाम जारी हो जाएगा और जो पशुधन सहायक के है मामला है, सूचना सहायक की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी, पीटीआई का परिणाम जारी हो जाएगा। एक बात
लेकिन जो तमाम और भर्तियां उलझी है, जैसे कृषि प्रशिक्षक भी कोर्ट में है, पशुधन सहायक भी कोर्ट में है, एलडीसी भर्ती 2018 भी कोर्ट में है, कई भर्तियां कोर्ट में है, उन कोर्ट में उन भर्तियों से भर्तियों को निकलवाना होगा। इसके लिए राज्य सरकार एक वरिष्ठ अधिकर्ताओं की कमेटी बनाए, एडवोकेट जनरल से पेरिक करा या अर्जेंट प्रार्थना पत्र लगवाकर उन भर्तियों को कोर्ट से प्राथमिकता के साथ निकलवाए, वो सरकार निर्णय ले कि हम लोग कमेटी बनाकर ये निर्णय ले रहे हैं कि जितनी भर्तियां लंबित है कोर्ट उनको तुरंत निकलवाकर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन ये सब संभव कब होगा? ये तब संभव होगा क्योंकि 1 जुलाई को जो हम इकट्ठा 1 जुलाई से पहले जितनी समस्या हल होनी चाहिए, हेल्पर 2 जो विद्युत विभाग का इसका परिणाम बिल्कुल कंप्लीट तैयार है, केवल आरक्षण के नियत प्रावधानों के कारण जो कार्य विभाग ने 19 मार्च को लेटर जारी किया उसकी वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाले वीक में सभी भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन 1 जुलाई से पहले तमाम जिन भर्तियों का मान लो परिणाम आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग तो उसकी भी होनी है ना, परिणाम आने के बाद ज्वाइनिंग तो होने में टाइम लगेगा, जब तक 1 जुलाई आ जाएगी। हम लोग चाहते हैं 1 जुलाई को हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के सामने ये दावा मजबूत करेंगे कि हमारा सरकार में स्थिरता होनी। आयोग की मांग क्यों कर रहा हूं, कुछ लोग ज्यादा विद्वान ये कहेंगे कि उपेन्द्र यादव खुद अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव में कहना चाहता हूं, उपेन्द्र यादव को मत बनाइए, हमारा साथी कोई भी बने, लेकिन हमारा आयोग होना चाहिए जहां हम आवाज उठा सके। आज कुछ अभ्यर्थी बीकानेर धरने पे बैठ रहे, कल सोमवार को रीड लेवल 2 की 2018 के एक और सूची जारी करने की मांग को लेकर, उसमें कितनी बड़ी विसंगति है। संस्कृत में 612 पदों पे वैकेंसी आई, ज्वाइनिंग को भी फिर एक और सूची आ गया और 526 अभी पद रिक्त है, वो स्थिति सामाजिक ज्ञान की है, हिंदी की है, अन्य सब्जेक्ट की है, तो वो विसंगतियां वो गलती कौन कर रहा है अधिकारी, और जो कुछ पॉइंटों से रह गए वो धरने पे इस जून में आगे बैठ धरने पे बैठ रहे हैं। तो दोस्तों जब हमारा आयोग होगा, हमारे लोग होंगे, जब आमने सामने ऑन द स्पॉट उसका फैसला होगा, न उपेन्द्र यादव को न आम बेरोजगारों को न सचिवालय भागना पड़ेगा, न दिनेश बोर्ड भागना पड़ेगा, न बीकानेर न शिक्षा संकुल और न ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेगा, क्योंकि हमारा आयोग हो जिससे हमारी बात रख सके, जिस प्रकार किसान आयोग है, जिस प्रकार मगरा बोर्ड है, युवा बोर्ड है, तो हमारा आयोग हो। मैं सर्वसम्मति से मैं खुद आज आपके सामने निर्णय ले रहा हूं, आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, यदि छात्र संघ आयोग बनाया जाता है, यदि युवा बोर्ड को बेरोजगारों को दिया जाता है, हमारे लोग प्रतिनिधि करते हैं जो बेरोजगारों की समस्याओं को जान सके, तो मैं खुद उसी दिन जिस दिन बोर्ड बनेगा या छात्र संघ आयोग बनेगा उसी दिन मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को निरस्त यानी कि उसको रद्द कर देंगे, समाप्त कर देंगे, संगठन को खत्म कर देंगे, और जब आयोग बन जाएगा तो हमारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमारी बात रख सके। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं आप खुद अब चिंतन करना कि एक बेरोजगार कहां चक्कर काटता है, जहां सीएम जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम जा रहा है, मंत्रियों को चक्कर काटते क्या बात देते। क्या आज हमारा आयोग हो तो आयोग निर्णय ले सकता है, आयोग में मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिलने की वो तमाम शक्तियां होती हैं जो आयोग के चेयरमैन के पास, जो डायरेक्ट सीएम से मिल सकता है, मंत्रियों को बुला सकता है मीटिंग में, और तमाम अधिकारियों को बुलाकर सामने वो पेश करवा सकता है कि इन भर्ती में ये समस्या है। उस आयोग में हमारे लोग जाके समस्या रखेंगे, इस भर्ती में ये समस्या है, तो आयोग के जो सदस्य हमारे हो, राजनीतिक सदस्य नहीं, हमारे लोग, हमारे बेरोजगार लोग हो, जो कम से कम जो इस भर्तियों से संबंधित पूरी जानकारी रखता हो, कम से कम वो अधिकारियों को बुलाकर पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ बैठकर उसका निस्तारण कर सके, उनको न्याय मिल सके। इसलिए हमारा इस सत्ता में हमारा अधिकार होना आवश्यक है, हमारी हिस्सेदारी होना आवश्यक है दोस्तों, सबसे बड़ी ये मांग है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम चक्कर काटते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग हजारों की संख्या में सरकार को शांतिपूर्वक, सरकार के विरोध में नहीं है, क्योंकि विरोध तो तब किया जाता सरकार मना कर दे, अभी तक सरकार ने मना नहीं किया। मैं डिप्टी सीएम साहब से मिला था, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने सीएम साहब ने डेटा मंगवाया, और उसके बाद अभी इस वीक के लिए अधिकारियों ने कहा, तो जिस प्रकार हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके बाद काम तो चल रहा है, रुका नहीं है। सरकार मना कर दे तो उस समय आपका भाई उपेन्द्र यादव सबसे पहले विरोध में सड़कों पे आपके साथ होगा। लेकिन अभी सरकार पॉजिटिव है, सरकार पूरे 5 साल सरकार रहने वाली है, हम सरकार पॉजिटिव है तो सरकार के साथ पॉजिटिव रखकर हम काम करेंगे, सरकार के साथ रखकर काम करेंगे, सरकार के साथ रखकर काम करवाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम सब लोग 1 जुलाई को इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे मैसेज जाएगा कि लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, तमाम इश्यू को लेकर बेरोजगार इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आईबी है, इनके जो गुप्त सूत्र है, सरकार के पास मैसेज जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार एक्टिव हो जाती है कि आने वाले समय में एक बड़ी रैली हो सकती है, उससे पहले जो तमाम समस्याएं हैं जो उनका हल हो सके, एक मानसिक एक दबाव बनाने के लिए सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने, क्योंकि
एक जुलाई से पहले दिन का परिणाम जारी होना हो सकता है, क्योंकि इनको पता है कि परिणाम जारी नहीं हुआ तो लड़कों में बेरोजगारों में आक्रोश होगा, एक तारीख को इकट्ठे होंगे, जिन मांगों को मान लिया जाएगा अपने मांग पत्र सट जाएंगे, लेकिन जो सरकारी हिस्सेदारी हो, और सबसे बड़ी बीमारी जो बाहरी राज्यों को कोटा है, क्या आप नहीं चाहते कि बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्या राजस्थान को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए? आप सब लोग चाहते हैं, लेकिन घर बैठे चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा अंतिम प्रयास है, मैं भी थक चुका हूँ, 5 साल से लगातार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ और लगातार ये कह रहा हूँ कि बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, फर्जी डिग्रियां हैं उनकी जांच हो, फर्जी डिग्री वाले बहुत हजारों की तादाद में पाए जाएंगे, और इसके अलावा दोस्तों जो गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, तमाम उन मांगों को लेकर जो मैंने फेसबुक पर डाला था, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर लड़ेंगे, हमारी ताकत मजबूत होगी तो सरकार को पता चलेगा कि हाँ ये युवा, अभी नगर निकाय के आने वाले चुनाव है, राजस्थान में जिला परिषद के चुनाव होंगे, तो इन युवाओं का साथ हमें चाहिए, युवा ने विधानसभा में लाने का काम किया था कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं वो लोग कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए युवाओं का साथ लेना चाहेंगे, लेकिन वो ताकत हमें उनको दिखानी है। दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई अभ्यर्थी फालतू कमेंट के उनको जवाब देना, जो बेरोजगार बोर्ड या छात्र संघ आयोग की मांग कर रहा हूँ, चाहे मुझे मत बनाओ, किसी को बनाओ, लेकिन बनना चाहिए, क्योंकि बनता है तो मैं बेरोजगार संघ को समाप्त कर दूंगा। मेरी यही इच्छा है कि हमारे बेरोजगार जहां जाए अपनी बात रख सके, और उस बात रखने के बाद उस समस्या का निस्तारण हो सके, और वो घर से आराम से सो सके। आज अधिकतर बेरोजगार अवसाद में रहते हैं, 2013 से लेकर 19 तक भर्ती लंबित हो जाती है, सबसे बड़ा उदाहरण नर्सिंग भर्ती 2018 पंचायत राज LDG जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज भी उसके अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, तमाम वो भर्तियां हैं जो आज भी लंबित है। तो दोस्तों हमारा आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सबको एक होकर आवाज उठानी होगी। दोस्तों 1 जुलाई को लेकर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, 1 जुलाई को इसलिए रखा है, कुछ लोग कहेंगे कि 1 जुलाई तो बहुत लेट है, हमारा परिणाम का क्या होगा जो RPSC के अधीनस्थ बोर्ड विभाग के, दोस्तों अगले वीक के लिए जो कार्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि अगले वीक में हम RPSC और आने वाले वीक में जैसे लेटर जारी होगा तो सभी जो नए आरक्षण के प्रावधानों को लेकर जो लंबित भर्तियां है उनका रास्ता खुल जाएगा। मैं एक बार पुनः कह दूं कि मैंने MBC के लिए संभावना बताई थी, लेकिन जो उन्होंने मीटिंग में किया जो मिनट्स हैं आनी बाकी है, तो आने वाले वीक में जब लेटर जारी होगा तभी पता होगा, लेकिन ये निश्चित है जिस प्रकार CM सचिव साहब से मेरी बात हुई, कार्यवाह के जो सचिव वहां अधिकारियों से मेरी बात हुई, मैं खुद मिलकर आऊं, मैं हवा में बात नहीं करता, यथार्थ में धरातल पे काम करने में विश्वास रखता हूं, जो मेरा रिपोर्ट जानते हैं उनको पता है कि कभी भी आज तक झूठी बात नहीं की, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, मैसेज डालकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मेरा काम है उनको काम करके जवाब देने का, क्योंकि काम ही बोलता है। इसलिए दोस्तों आप लोग आने वाले वीक का इंतजार करो, क्योंकि आने वाले वीक के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया, तो इसलिए जो हेडमास्टर के लोग वहां धरना दे रहे हैं वो भी बहुत लाजवाब काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर इसलिए रुका हुआ हूँ दोस्तों आ सकता है, लेकिन मैं लगातार मेरा प्रयास कर रहा हूँ, लगातार भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं 11 तारीख को डिप्टी CM से वापस मिला हूँ, CM साहब से मेरी टाइम मांगा है, CM साहब को मेरी बात हो गई, CM साहब तक हमारी जो ज्ञापन थी हमारी मांगे उन तक पहुंच चुकी है, उसके बाद ही उन्होंने सारा डेटा मंगवाया था, उसके बाद एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार हमारा काम प्रक्रियाधीन है, लेकिन हम लोग जब तक हमारा संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाए, क्योंकि इस गर्मी में ये न सोचे कि हम घर बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे। 1 जुलाई की घोषणा की है, 1 जुलाई के लिए इसलिए डाली है दोस्तों, आप लोग लगातार पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाना चाहिए कि लाखों की संख्या में बेरोजगार इकट्ठे हो रहे, कहीं ना कहीं सरकार पहले ही रैली निकलने से पहले ही हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता करके हमारी मांगों का निस्तारण कर दे, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को न्याय मिल सके। इसलिए दोस्तों तमाम मांगों को लेकर मैं एक बार और दोहराना चाहूंगा, RPSC अधीनस्थ बोर्ड की जो जिनका परिणाम आना है, चाहे हेल्पर 2 हो, SI हो, हेडमास्टर हो, और चाहे जो तमाम भर्तियां हैं, मैं बता दूं आपको सेकंड हेडमास्टर ये मतलब प्रयोगशाला सहायक को, NTT और कृषि परीक्षक हो, जिनका परिणाम जो और भी भर्तियां हैं जिनका परिणाम आना बाकी है, उनका परिणाम जारी हो, और जो परीक्षा तिथि पुस्तकालय अध्यक्ष है, स्टेनोग्राफर है, इसके अलावा जो और अन्य भर्ती जिनकी परीक्षा तिथि जारी हो, सूचना सहायक का कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो चुका है, 2016 RS के अभ्यर्थी आज भी घूम रहे हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो, 2016 RS जो देश को चलाने का काम करते हैं, प्रदेश को चलाने का काम करते हैं, आज वो भटक रहे हैं, 2016 RS के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो, सूचना सहायक है, इसके अलावा PTI और पशुधन सहायक जो है लंबित, इसके अलावा दोस्तों तमाम वो है
एलडीसी भर्ती 2018 इसका टाइपिंग पैटर्न जारी होना है और टाइपिंग तिथि जारी होनी है। और दोस्तों जो कोर्ट में पशुधन सहायक हो कृषि प्रेक्षक हो इनके लिए सरकार अलग कमेटी बनाकर एक एडवोकेट की टीम बनाए जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हो और वो प्रार्थना पत्र लगवाकर इन भर्तियों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाए। दोस्तों तमाम मांगों को लेकर मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, कई लोग कहेंगे कि मेरी मांग को भूल गए, लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जोश भरे कि हम घर से निकलेंगे तब कुछ होगा। 1 जुलाई आपके दिमाग में नोट कर लेना, हर सोशल मीडिया पे 1 जुलाई होनी चाहिए। उनकी रैली है, आपके स्वाभिमान की रैली है, आपके सपनों की रैली है, आपके भविष्य की रैली है। आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो 1 जुलाई को जयपुर हजारों के नहीं लाखों के संख्या में आकर आपको सिद्ध करना होगा कि हम सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं, हम बाहरी राज्यों का कोटा कम करना चाहते हैं, सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और तमाम जो लंबित भर्ती है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं, नियुक्ति लेना चाहते हैं। और जिन विभागों में रिक्त पद है, जो चाहे टेक्निकल विभाग हो, चाहे नर्सिंग विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जितने विभाग है, चाहे बीटेक की अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे, जितने भी लोग अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सभी विभागों में जितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं प्रतिवर्ष भर्ती आए, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, उनमें प्रतिवर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं उन पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर 1 जुलाई को इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि वो रैली नहीं रैला होगा और बेरोजगारों का मेला होगा, हमारी ताकत के साथ हमारा आयोग का गठन होगा, लंबित भर्तियां भी पूरी होंगी, नई भर्तियां भी आएंगे, बेरोजगार के सपना भी साकार होगा। और ये सपना तब साकार होगा जब हर युवा कहेगा 1 जुलाई को विधानसभा के सामने जाना है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, लोग कह रहे हैं कि 1 जुलाई आपने क्यों चुनी, 1 जुलाई इसलिए चुनी क्योंकि 27 तारीख को जब विधानसभा चालू होगी, जिस दिन विधानसभा चालू होती है वो किसी मान लीजिए कोई एक्सपायर हो जाता है उसको श्रद्धांजलि देकर वो थोड़े दिन बाद 10 या 15 मिनट के बाद हमेशा पहले दिन स्थगित हो जाती है, वो गुरुवार को होगी, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार है, पता नहीं शनिवार और संडे को मान लीजिए वो छुट्टी रखते हैं, हम शुक्रवार और शनिवार को रख लें तो फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। हमें विधानसभा जब चालू रहेगा, सत्र चालू रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, एमएलए, विपक्ष सब लोग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में हमने सोमवार का प्रोग्राम रखा है, विधानसभा रहेगी तो हजारों की संख्या में विधानसभा के बाहर रहेंगे, लाखों की संख्या रहेंगे तो हर मुख्यमंत्री वही मौजूद रहेगा, कम से कम हमारी आवाज बुलंद होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जब रैली या महासभा की जाती है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा मिलता है, दिखता है और उसका परिणाम भी मिलता है। दोस्तों अभी अभी कहीं पे भी जयपुर में आप पता कर लेना, जयपुर में परमिशन नहीं दे रहे, विधानसभा सत्र के दौरान हर व्यक्तियों को जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं विधानसभा सत्र के दौरान परमिशन दी जाती है 22 गोदाम से विधानसभा टी पॉइंट तक, तो इसलिए दोस्तों अब परमिशन हमें नहीं दी जा रही, इसलिए हम लोग 1 जुलाई चुना है और विधानसभा के बाद 22 गोदाम जयपुर से विधानसभा तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको पुनः एक बात बता दूं, उससे पहले हम लोग व्यक्तिगत हमारा प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम और सीएम से आपसे मिलकर इन समस्याओं को अवगत कराएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें अधिकांश जो समस्या है 1 जुलाई से पहले उनका निस्तारण हो जाए, जिनका परिणाम आना है परिणाम जारी हो जाए, जिनकी परीक्षा तिथि की घोषणा है वो घोषणा हो जाए, परीक्षा तिथि की संभावना जुलाई की है, इसके अलावा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस प्रयास मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम से और मंत्रियों से मिलकर कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं, लगातार आपको सोशल मीडिया से उनसे अवगत करवा रहे हैं और जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे, सरकार एक टू बी एड डेटा मंगवाया है और अंतिम उसका फैसला भी ले लिया गया है, मिनट्स आने बाकी, आने वाले वीक में उसकी मिनट्स आएंगी, आरपीएससी अपने स्कूल बोर्ड को भेज दी जाएगी। ये जो मैं कार्यवाहक अधिकारी से मिला, मुख्यमंत्री सचिव से मिला, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे स्पष्ट किया जो मैंने आपको साझा किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पुनः कह दूं, कई लंबित भर्तियां हैं, मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूं, लंबित भर्तियां मैंने आपको बता दिया, फिर भी एलडीसी 2018 वाला मैंने बताई दिया, आरपीएससी द्वारा बताई दिया, इसके अलावा विद्युत व हेल्पर टू बताई दिया, क्योंकि दोस्तों एक भी भर्ती को भूल जाता हूं, लोग कहते हैं कमेंट करते हुए यादव जी हम ये भूल गए, पीटीआई भर्ती का भी मामला हो चाहे पशुधन सहायक हो चाहे सूचना सहायक हो, हाँ पंचायत राज एलडीसी भर्ती और पंचायत सहायक, पंचायत राज एलडीसी भर्ती और पंचायत सहायक के कॉल लगातार और कॉल मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे हैं, पंचायत सहायक वाले इतने कॉल और मैसेज कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों आपका प्रतिनिधि मंडल जो आपका संघ बनाओ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जहां तक मेरा सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा, मैं 11 तारीख को कोशिश करूंगा, लेकिन 11 तारीख को स्वर्गीय राजेश जी पायलट की जो उनको पुण्यतिथि है जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, तो दोस्तों मैं शायद पायलट साहब सचिन पायलट साहब वहां दौसा जाए उस दिन समय नहीं मिल पाया तो मैं 12 तारीख को मिलूंगा, 11 और 12 तारीख को मिलने की कोशिश करूंगा, उसमें पंचायत राज एलडीसी 2013 को लेकर और
पंचायत स्थाई का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मैं विशेष आप लोगों के लिए मिलूंगा, जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप लोग मुझे आपकी पीड़ा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरा सहयोग करूंगा और जैसा होगा मैं आपको अपडेट करा दूंगा। सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए मैंने कहा, लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ, हर महीने मीटिंग हो रही है मंत्रियों की, उसमें संविदा कर्मी और कर्मचारियों को बुलाकर मीटिंग करें, उनके प्रतिनिधिमंडल दे। राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, उन्होंने ज्यादा मतदान किया, सत्ता में कांग्रेस को लेकर, क्या हम लोगों को कमेटी नहीं बुला सकती है? इसलिए हम लोगों की ताकत का एहसास होगी, सरकार बुलाएगी, हम सरकार के विरोध में नहीं जा रहे, सरकार के साथ है क्योंकि सरकार हमारे साथ है। सरकार जिस दिन हमारे साथ नहीं होगी तो हम सरकार के साथ नहीं होंगे, सड़कों पे हम उतरेंगे, खिलाफ भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार हमारे साथ है। दोस्तों मैं और चीजों को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि लंबित भर्तियों का मैंने आपको नाम ले लिया, इसके अलावा एनएम 2013 नर्सिंग भर्ती, कई लड़कियां कई बहनें मेरे पास आई थी, वास्तव में 2013 के एनएम की जो भर्ती लटकी पड़ी है उनका भी मैं फुल तरीके से पूरा सपोर्ट करूंगा, उनकी आवाज को उठाऊंगा। एलडीसी पंचायत राज के लिए कह दिया, पर इसके अलावा एलडीसी 2018 हो गया, सरकार ने नई भर्तियों के लिए कह दिया, सिस्टम में सुधार हो। सिस्टम में सुधार कैसे हो कि थर्ड ग्रेड की नई वैकेंसी आएगी, आरपीएससी से एग्जाम हो और रीट या टेट वो हो, यानी कि बदलाव हो, और भी जो अधिकारी करने वाले खिलाफ कार्रवाई हो, कई जो माइनस मार्किंग या जीरो से टीचर बन जाते हैं या व्याख्याता बन जाते हैं, माइनस मार्किंग वाले जीरो को हटाया जाए, एक न्यूनतम मापदंड भर्ती हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का मामला हो, इनमें फर्जी डिग्रियों की भरमार है, इनकी जांच करवाकर हम दम लेंगे, क्योंकि फर्जी लोग पकड़े जाएंगे, जिस प्रकार जेल प्रहरी में कई सालों के बाद वो जेल में गए हैं, ये लोग भी जेल जाएंगे जो फर्जी डिग्री लेकर जो नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इसलिए स्पेशल नाम ले रहा हूं, किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं करवाई और स्कूलों में कंप्यूटर धूल जाकर धूल उन पर चढ़ रही है, और इसके अलावा बच्चों को कंप्यूटर कौन पढ़ाता है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का आयोजन होना आवश्यक है। लगातार ये लोग मेरे संपर्क में, उन लोगों को कहना चाहूंगा मैं लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, सरकार तक आपकी बात पहुंचाइए। नई शिक्षा विरोध, मैं बताऊं नई शिक्षा नीति का विरोध किया केंद्र सरकार का, लेकिन जो 1 जुलाई को इकट्ठा होंगे तो राज्य सरकार कहेंगे कि आपको विशेष अधिकार है आरपीएससी के माध्यम से एक एग्जाम हो शिक्षक भर्ती, इसके बाद टेट और पहले टेट और रीट हो, उसके बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, इसमें प्रदेश स्तरीय मेरिट हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें ज्यादा है, राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो, तो सरकार विशेष अधिकार का उपयोग करे और केंद्र सरकार की उस नीति का हम विरोध करेंगे। 1 जुलाई को इस मुद्दे को हमने शामिल किया है, जो तमाम शिक्षा नीति के विरोध में है, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार की ओर ड्राफ्ट जारी किया गया, तो तमाम भाई और बहनों से निवेदन है कि इस पॉइंट के लिए आप जरूर पूछे, क्योंकि आपकी आवाज केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि 2 जुलाई से वो नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे, तो हमारी आवाज, हालांकि हमने आवाज उठाई है, विरोध किया है, आवाज पूछ चुकी है, अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, लगातार अन्य राज्यों के छात्रों से मेरी बात हो रही है, लेकिन आपसे निवेदन है मेल और ट्वीट लगातार पीएमओ प्रधानमंत्री जी को और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और मंत्री जी को लगातार आप करते रहिए, क्योंकि साक्षात्कार डेमो और 3 वर्ष के प्रोबेशन काल का आप विरोध करते रहिए, क्योंकि हम लोग इससे सहमत नहीं है और खुली चेतावनी दी, आपने ऐसा किया तो जब दिल्ली की सड़कों को उतर कर आंदोलन करें, मैंने तो खुली चेतावनी दी है, यदि ऐसा लागू करते हैं इंटरव्यू जैसे जो जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा उसको लागू करेंगे, तो उपेन यादव दिल्ली जाके वहां सड़क जाम नहीं की, वह हंगामा नहीं किया, चाहे मुझे जेल में डाल दे मैं सड़ जाऊंगा, लेकिन इसका विरोध जरूर करूंगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार होगा, गलत नीति है, इसका विरोध आज कर रहा हूं, कल कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, क्योंकि साक्षात्कार इंटरव्यू हटना चाहिए, डेमो जैसी बीमारी हटनी चाहिए जिससे बेरोजगारों के साथ गलत ना हो। एक प्रमाण पत्र से बार बार, एक ही व्यक्ति एक प्रमाण पत्र से बार बार लग रहा है, यानी कि एक ही समान पत्र, ये आने वाले भविष्य में भर्तियों के लिए सरकार नियम बनाई, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई पॉइंट मुझे 70-30 जो बेटेज लगा ना, कई लोग रो रहे हैं आज, रीट में टॉप नंबर है लेकिन बीएमए में जो पहले 2010-12 में कर रखे थे आज वो लोगों के साथ गलत हुआ है। ऐसे में एक प्रमाण पत्र का बार बार उपयोग करने की वजह से हुआ है, और जो बीए का जो वेटेज जोड़ा है 30% बीए का, वो गलत था, कई लोगों के साथ गलत हुआ, तो आरपीएससी के माध्यम से एग्जाम होगी और रीट या टेट हो गए तो वो वेटेज जैसी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, और एक प्रमाण पत्र से एक बार, एक समान पत्र, कोई भी समान पत्र एक बार उपयोग हो, वैसे 2 एग्जाम होगी तो प्रमाण का दायरा फिक्स हो, कई बार कहते हैं ना कोर्ट में जाते हैं साहब वो तो आउट ऑफ सिलेबस था भर्ती को रोक दो, तो सरकार एक भर्तियों का सिलेबस का दायरा निश्चित कर दे, तो जिससे प्रश्नों का विवाद कम होगा। यूपीएससी की तर्ज पे, क्या यूपीएससी के विवाद आपने देखे, बहुत कम आते हैं, नगण्य आते हैं, यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी की और जो राजस्थान की परीक्षा प्रणाली उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट, जो 2018 वाले बीकानेर बैठ रहे हैं, जो अभ्यर्थी
कुछ पॉइंटों से लेके वो एक और सूची जाते हैं, वो बीकानेर कर पूछे, उनका साथ दे, मेरा उनको पूरा समर्थन है, वो विरोध में नहीं बैठे हैं, सरकार को याद दिला रहे, सरकार समर्थन बैठे हैं। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, माननीय सचिन पायलट जी ने वादा किया है कि आएगी, जहां भी अभ्यर्थी मिले सचिन पायलट जी वादा कर रहे हैं, मैं खुद भी मिल के आऊँ, और उन्होंने कहा था कि एक और लिस्ट जारी होगी, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए, क्योंकि कई कर्मचारी जो वहाँ बीकानेर लगे वो नहीं चाहते, इसलिए वो बीकानेर निदेशालय के बाहर बैठे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। जो एक और सूची की जो कुछ पॉइंटों से लेके 2018 के बाद पूछे, 2016 साइंस में, 2016 अंग्रेजी और 2017 संस्कृत विभाग, उनके मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगी, जैसे उनका फैसला आएगा दोस्तों आपके साथ इस मांग को लेकर मैं खड़ा नजर आऊंगा। दोस्तों तकनीकी विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, सिंचाई, दूरसंचार, परिवहन, इसमें निजीकरण किया जा रहा है, इनका निजीकरण खत्म किया जाए, जिसमें कई लोग टेक्निकल जो आईटीआई कर रखे हैं, कई अभ्यर्थी वो लगातार परेशान है, बीटेक कर रखे हैं, उन लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, इनका निजीकरण समाप्त किया जाए और इनमें रेगुलर भर्तियां निकाली जाए, जिससे बेरोजगारों को अधिक से अधिक मौका मिल सके, क्योंकि निजीकरण में वो लोग निजीकरण में बहुत बड़ा घपला सामने आ रहा है, कई लोग पकड़े जाते हैं, कई विसंगतियां होती है, तो ऐसे में इनका निजीकरण बंद किया जाए और रेगुलर भर्तियां निकाली जाए, जिससे बेरोजगारों को अधिक से अधिक मौका मिले। 1 जुलाई का मैंने आप लोगों को बताई दिया, और हाई कोर्ट वाला मैंने आप लोगों को बताया कि उनका एक पैनल, एक कमेटी बने, जो लंबित भर्तियां, चाहे एनडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे पशुधन सहायक हो और चाहे कृषि प्रेक्षक हो, तो उन भर्तियों को सरकार प्रार्थना पत्र लगवा कर, मेहनत लगवा कर, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, चाहे एडवोकेट जनरल हो, पेरी करवा कर, उनको जल्द से जल्द कोर्ट से निकलवा कर उन बेरोजगार को न्याय प्रदान करने की सरकार प्रार्थना के साथ हमसे वादा करे कि हम उनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करके नियुक्ति देंगे। बेरोजगारों को ऊपर मुख्य में दर्ज, कई अभी अभ्यर्थी मुझे मिले थे, कई बेरोजगारों को मुकदमे दर्ज है, वो सरकार वापस ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया लटके पड़ी है, तो बेरोजगारों को ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो वापस सरकार ले, क्योंकि हम लगातार इन मुद्दे को पहले भी डाला था लेकिन ध्यान नहीं दे पाए थे, क्योंकि लगातार कभी रीड की मामला आ गया, कभी कौन सा मामला आ गया, लेकिन ये अभ्यर्थी मेरे से मिले तो मुकदमे वापस लेने की मांग हम कर रहे हैं। इसके अलावा भर्तियों का कैलेंडर पहले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भर्तियों का कैलेंडर स्पष्ट कर दो कि भैया 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी, इस विभाग की भर्ती इस महीने में आएगी, कैलेंडर पहले जारी हो कि परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, कैलेंडर पहले जारी होना चाहिए, और इसके अलावा 6 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करें। इसके अलावा दोस्तों किसी मैं मेरे दोस्त रविंद्र आई क्या किसी की दोस्तों, मैं आपसे पुनः आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को, इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने लोग देख रहे हैं आप शेयर तो कर दिए, शेयर करने के पैसे लग रहे हैं क्या, शेयर क्यों करवा रहा हूं मैं, शेयर इसलिए करवा रहा हूं कि 1 जुलाई का पता राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगारों को पता चले कि 1 जुलाई को हमारा एक बड़ी रैली नहीं, एक रैला है, और हमारे भविष्य की वो रूपरेखा तय करेगी 1 जुलाई कि हम लोग इकट्ठे होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हाँ सिस्टम में सुधार हो, बारीदारी का कोटा कम हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, और नई भर्तियां जो नए बेरोजगार इंतजार करें, नई भर्तियों का नई भर्तियां आए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आए, इसके अलावा जो तमाम विसंगतियां हैं, जो सिस्टम में सुधार की मांग है, उनका भर्ती परीक्षा का परिणाम हो, भर्ती परीक्षा पूरी हो, तमाम इश्यू को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई की जो आवाज हम बुलंद करने जा रहे हैं, सब तक मैसेज पूछे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसके लिंक को डालें, जिससे हमारी आवाज मजबूत हो सके, सोशल मीडिया पे मजबूत हो सके, और सरकार तक आवाज जा सके कि 1 तारीख को जयपुर में बेरोजगारों की बहुत बड़ी रैली है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये रैली आप लोगों के लिए है, आपको आना है, रैली की परमिशन हम लेंगे, परमिशन से, ऐसा नहीं कानून से, जो पुलिस से हम परमिशन लेंगे, उसका जितना खर्चा होगा हम उठाएंगे, किसी बेरोजगार से एक रुपया नहीं लेंगे, आपको केवल आना है, शामिल होना है, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचानी है कि हम सब एक हैं, हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं, हमारा अधिकार चाहते हैं, समय पे रोजगार चाहते हैं, लंबी भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं। क्या आप लोग इस मेरी लड़ाई में मेरे साथ, तो देखो मैं गर्मी में बैठा हूँ, पसीना आ रहा है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई उपेन यादव की नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है। पहले लोग सवाल उठाते थे कि उपेन यादव बीजेपी के खिलाफ भी इतना बोलता है, अपनी रैलियां करता है, कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं, आज मैं कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन कांग्रेस हमारी बात नहीं मानेगी, उस दिन खिलाफ भी सबसे पहले आपका भाई उपेन यादव होगा, क्योंकि दोस्तों जब सरकार सकारात्मक है तो सकारात्मक रहकर हमें काम करना चाहिए, इसलिए पहले शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, एकता के साथ, मजबूती के साथ हम बात रखें। आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको 1 जुलाई की तैयारी करनी है, जयपुर पहुंचना है, स्थान 2200 गोदाम है, सुबह
10 बजे या 9-10 बजे जो भी समय मैं आपको अवगत करा दूंगा, लेकिन 1 जुलाई फिक्स हो चुकी है आप लोगों के भविष्य के लिए। और उससे पहले जो तमाम भर्तियों का परिणाम आना हो, द्वितीय प्रक्रिया होनी है, परीक्षा तिथि जारी होनी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 1 जून से पहले लंबी जो जिन भर्तियों का परीक्षा परिणाम आना है, हेडमास्टर एसआई और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा इसका परिणाम आएगा जो आरपीएससी की है, और जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षा आज मेरी बीएल जाटाव जी से बात हुई, कहा पॉजिटिव चल रहा है, शायद अगले वीक में आप लोगों का प्रयास सफल हो जाएगा। चेयरमैन साहब ने मुझे मेरी खुद की बात मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया। तो दोस्तों एक चीज, हमारा संघर्ष कामयाब होगा, आने वाले वीक में रास्ता खुलेगा, क्योंकि दोस्तों जो लंबित भर्तियां हैं जिनके परिणाम जारी होना है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के हों, चाहे किसी के, चाहे हेल्पर टू विद्युत विभाग का, उनका परिणाम मुझे लगता है कि 1 जुलाई से पहले जारी हो जाएगा। लेकिन जिनका परिणाम 1 जुलाई से पहले जारी हो जाएगा उन लोगों को भी 1 जुलाई को आना है, क्योंकि सिस्टम में सुधार आपको भी चाहिए, गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई आपको भी चाहिए, बाहरी राज्य का कोटा कम आपको भी चाहिए, हिस्सेदारी आपको भी चाहिए, क्योंकि आप उठा के देख लेना रिकॉर्ड, यदि सिस्टम नहीं सुलझा, सिस्टम नहीं सुधरा, तो उठा के देख लीजिए आप 2013 के लोग आज तक भी पा रहे, रीट वाले 2018 से 2019 तक स्कूलों में गए कि कोई भी भर्ती 1-2 साल 3 साल से पूरी नहीं हुई है। यदि आप लोग पूरी ताकत के साथ हमारे साथ लड़ाई लड़ोगे, इस रैली को सफल बनाओ, कहने की सरकार को वो अपना कर्तव्य है अपने इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्राथमिकता के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि समय पे भर्ती पूरी हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले। इस वीडियो की ज्यादा शेयर करें, 1 जुलाई आपका बिहार, आपका सपना आप साकार करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।